राजस्थान में दो लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा को मिली करारी हार के बाद सूबे की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ पार्टी के अंदर से विरोध के स्वर उठने लगे हैं। उपचुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद कोटा भाजपा के ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष अशोक चौधरी ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया है कि राजस्थान भाजपा कार्यकर्ता का प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। उन्होंने प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद से अशोक परनामी को हटाने की मांग की है। चौधरी ने भाजपा अध्यक्ष को सूबे की जमीनी हालातों से अवगत कराते हुए लिखा है कि संगठन के एक एक कार्यकर्ता के मन में भाजपा सरकार के प्रति गहरा आक्रोश पनप रहा है। प्रदेश के सरकार और संगठन दोनों की जगह नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर उन्होंने कहा है कि नए नेतृत्व में कार्यकर्ता जोश के साथ वर्ष के अंत में होने वाले चुनाव में उतरेंगे तो पार्टी हित के लिए बेहतर होगा। इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली भी राजस्थान उपचुनाव में पार्टी की करारी हार पर चिंता जता चुके हैं। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।